तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे फ्रेश न्यू फुल ऑन ब्लॉग्स में। तो गाइस, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ना, वो एक छोटा सा स्मॉल साइज का मान लो कूलर है। ये देखो, काफ़ी लोगों ने देखा होगा ये। आप मतलब ये मैं मेरे मंदिर में रखने के हिसाब से लाया हूँ, माई ठाकुर जी उनके लिए। तो कुछ इस तरह का कूलर है और ये मैंने आज, तो मैं अभी मार्केट गया था तो मैंने रिसेंटली अभी परचेस किया है। कितने का किया है ये आगे मैं बताऊंगा मैं आपको। और ये इसका बॉक्स है, तो इसकी पूरी मैं भी अनबॉक्सिंग बताऊंगा आप लोगों को कि क्या इसे हमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या क्या इसके अंदर खूबियाँ हैं, क्या है, कैसी क्या स्पीड है, क्या हवा देता भी है, देता नहीं है, या खाली नाम का ही कूलर है ये। ठीक है गाइस, क्या क्या इसके फीचर्स है तो पूरी वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहना कंटिन्यू मेरी इस वीडियो में। और कितने का क्या मुझे ये मिला है सब कुछ बताऊंगा मैं इस वीडियो में। तो जाओ जाके मेरा वीडियो को कंटिन्यू देखना जरूर भाई गाइस, एंड मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना गाइस, ताकि मैं ज़्यादा ज़्यादा वीडियो बना सकूं। और जो जो भी नए व्यूअर्स जो मेरे इस वीडियो पे आए, मैं बता देता हूँ कि ये जो मेरा चैनल ये टेक से रिलेटेड है पूरा। ठीक है गाइस, तो इसका हम जल्दी सी एक क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं और बताते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस हम ये देखो, ये मैंने अभी परचेस किया है रिसेंटली कूलर, जो कि आपने बताया डीसी प्लग, वाटर कूल, पुश बटन, फ्रेगनेंस, इसमें क्या क्या है आपको सबको बताऊंगा। देखो सेल भी लगते हैं पीछे, ठीक है। और कुछ इस तरह से ये है, ये इसके फीचर्स हैं और ऊपर कुछ मिलता है इसमें। मैंने क्योंकि अनबॉक्सिंग कर ली इसकी, मैंने इसमें कुछ मिला नहीं। ठीक है गाइस, तो ये है कूलर, मिनी कूलर, जो कि इसको साइड में हटाते हैं, किसी अपने काम का नहीं है। जी हाँ गाइस, वो ये है वो मिनी कूलर जो अपन को लेके आए मार्केट से। ठीक है, तो ये है, ये इसकी आप देखो हवा को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये कुछ फ्लेक्सिबल वाला, ये ऑन ऑफ का बटन है, ये ऑन ऑफ का बटन है। ठीक है गाइस, और ये आप इसमें निकालते हैं तो ये कुछ इस तरह से इसके अंदर ये अस्थि पंजर दिख रहे हैं भाई इसके। तो ओके, ये इसकी यूएसबी केबल है जिसको आप चार्ज करके भी लगा सकते हो। और ये है ना, ये गाइस कई लोग बोलते हैं इसमें पानी डाल के आप चलाना, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पानी डाल के चलाओ तो गए आप, बट पानी ऊपर तो जाएगा नहीं ना। क्या मतलब है, इसमें पानी मत डालना गलती से। अगर पानी डाल दिया और आपने हिला दिया इसको थोड़ा सा भी, तो अंदर सीधा पानी चल जाएगा और ये ख़राब हो जाएगा। ठीक है, जल जाएगा ये ओनली मेरे को जो लगता है ना फ्रेगरेंस के लिए। इसके अंदर आप कुछ भी एयर पॉकेट जो गोदरेज का आता है ना वो रख सकते हैं, ताकि ये महक देता है। तो कुछ इस तरह से, और पीछे हम चलते हैं कुछ इस तरह से, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका ये सेल का मिल जाता है, ये आपके डीसी चार्जर का सेल भी देख लेते हैं इसमें कितने लगते हैं, पूरा बताएंगे आपको। ये देखिएगा इस, तीन सेल लगते हैं इसमें, बट मैं सेल से ना चला के इसको है ना डायरेक्ट प्लग एंड प्ले करके चलाऊंगा, क्योंकि मेरे को ये हमारे जो मंदिर में यूज करना है। ठीक है, तो क्या ये हवा देता है नहीं देता, इसके सब कुछ टेस्टिंग करके अभी आपको बताऊँगा। तो इसको मैं पहले एक बार सेटअप कर लेता हूँ, फिर आगे दिखाता हूँ क्या ये हवा दे रहा है नहीं दे रहा है प्रॉपर, क्या ये काम का है नहीं है। ठीक है गाइस, ठीक है, बने रहिए मेरे और शुरू करते हैं हम इसका टेस्टिंग कैसा क्या वगैरह। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसमें यूएसबी केबल से इसको कनेक्ट कर दिया है, देखिए ये रहा। ठीक है, अब मैं ऐसे तो आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा नहीं कि हवा दे रहा नहीं दे रहा। तो इसको एक नॉर्मल टेस्ट करने के लिए एयर का मैंने सबसे अच्छा उपाय खोजा है ये। मैं इसको मोमबत्ती को जलाऊंगा और इसमें हेयर से पता लग जाएगा कि ये बुझती है नहीं बुझती, मतलब इससे आपको पता लग जाएगा, एक अनुमान लग जाएगा क्या ये हवा तेज़ दे रहा है नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसको मैं अब चलाता हूँ और फिर देखते हैं आगे क्या हो, क्या ये कैसा इसका एयर फ्लो है। ठीक है गाइस, ये मैंने कुछ इस तरह से इसको जला दिया है। ठीक है, अब ये देखो ये थोड़ा सा अनमैनेजेबल हो रहा है इसको, ये मैंने ऑन कर दिया, ये देखो ये घूम रहा है, आपको दिख रहा है अंदर, अब देखते हैं इसमें। ये देखो, तो गाइस पावर अगर देखा जाए ना काफ़ी अच्छा है। हाँ ये है कि छोटी मोटी चीज़ के लिए उसके लिए सही है, तो आप सोचो कि कुछ ज़्यादा तेज तो इतना तो नहीं है, बट आप देख सकते हैं ये देखो एक ही बार में इसने बुझा दिया, तो सही है। और दूसरा एक बार और करके देख लेते हैं हम लोग, एक कागज़ लाते हैं और कागज़ में इसमें चला के देखते हैं कि कागज़ का ये क्या एयर फ्लो सही दे पाता है नहीं दे पाता। ठीक है गाइस, अभी कागज़ का भी यूज़ कर, ये मैंने एक कागज़ लिया है, लीगल पेपर एक है ना, ये देखो ये देखो ये देखो, अब इसको बंद करता हूँ मैं, ये देखो ये बंद हो गया। ठीक है गाइस, मैं कुछ ही नहीं कर रहा हूँ, ये बंद हो गया, अब इसको ऑन करते हैं। अब देखो जैसे ही मैं इसके पास लेके जाऊँगा ना, ये देखो ये देखो, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना क्या एयर फ्लो है इसका। ठीक है,
तो गाइज कुछ इस तरह का ये है प्रोडक्ट। इसमें आप एयर वेंट को ये देखो जो है ना इनको ऊपर नीचे कर सकते हो, ये देखो ये ऊपर नीचे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो गाइज प्लीज़ ज़्यादा से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में किस बनाऊँ। तो आई होप अच्छा लगा वीडियो। जय हिंद जय भारत। और फुनोन व्लॉग्स को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से शेयर करो।